नमस्कार जोहार, मैं एआर बकारवी, आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में है वरिष्ठ कांग्रेस नेता आप कह सकते हैं, अजीत सिंह चौधरी जी। बताइए अजीत जी, बड़ी दिन से आप लोगों को हम खोज रहे थे कि किधर है कांग्रेसी लोग। बीजेपी क्रेडिट ले रहा है राम मंदिर निर्माण का, कि भाई सारे लोग समझ रहे हैं कि मोदी जी राम मंदिर बना रहे हैं। एक्चुअल आप इस मुद्दा को किस हिसाब से देख रहे हैं? हम लोग का शास्त्र में बोलता है, अगर कोई दान करता है और उसका जो जनता में बोलता है कि हम दान करते हैं, तू अधर्मी होता है। रामचंद्र का मंदिर का जो निर्माण हुआ, सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया तभी बना। देश का वो प्रधानमंत्री है, राम के संबंध में मोदी जी कम जानते हैं हम लोग से, क्योंकि हम लोग कांग्रेसी हैं। राम को हम लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि राम को हम लोग अंतर में रखते हैं, ऊपर में नहीं। राम को हम अंदर में रखते हैं, ऊपर में नहीं। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि राम लाला की जो मूर्ति है उसको बाबरी मस्जिद में रखवाने वाले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, शिलान्यास करने वाले राजीव गांधी थे, ताला खोलने वाले राजीव गांधी थे, तमाम चीजें थी। लेकिन आप लोगों का क्रेडिट नहीं जा रहा है। देखिए, राम को कुछ काम करके उसमें अगर ढोल पीट के अपना नाम प्रचार करते हैं तो दुष्प्रचार है, हम पापी हैं। राम का काम कोई नहीं कर सकता है, राम का बिना आदेश से एक ठो पाता नहीं हिल सकता है। राम वन चले गए, कौन बोला? कोई के ही बोला कि राम तुम वन जाओ। ये कौन बोलाया? राम ने ही बोलाया। कोई के ही क्या कंठ में सरस्वती को घुसा के राम ने बोलाया कि तुम वन जाओ। राम जंगल में गए, रावण से लड़े, लेकिन अपना सेना और फोर्स लेके नहीं गए अयोध्या से। वो दलित गरीब आपको जम्मूमान हनुमान सारे लोगों का साथ लेके रावण से लड़ाई लड़े और सीता को उद्धार किया। आज राम का इतिहास हो सकता है मोदी नहीं जानता है। जब आपको सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मेरा देश का राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उसका उद्घाटन किया था, और आज राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो मोदी जी किए। काहे भाई, जब रामचंद्र जी एक दलित आदिवासी सबरी भिलिन का जूठा बैर खा सकता है, तो क्या इस देश का राष्ट्रपति दलित का बेटी राम मंदिर घुस नहीं सकता है? शास्त्र के विरोध है, गर्भगृह में नहीं जाएंगे। कैसे शास्त्र का विरोध है? जब राम जूठा बैर सबरी का खाई, वो आदिवासी का लड़की थी, जूठा बैर न खाई थी, खाए था राम। सबरी चाकती थी, ये फल मीठा है कि कट्टा है, तो चाक चाक के राम को खिलाया, राम प्रेम से खाया। आप ही लोग थे ना, ठीक है जो भी है, राम तो राम है उसके हम जान रहे हैं, लेकिन राम का गलत उपयोग कहीं ना कहीं कोई करने का कोशिश करता है। लेकिन मेरी बात यह है कि एक बात ये बताइए कि राम जी जो चारों धर्मा जो चारों पीठ के जो धर्माचार्य हैं उनका कहना है कि राम मंदिर पूरी तरह बना नहीं, और जब बना नहीं तो आप उसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो वहाँ राम नहीं बल्कि असुरी शक्ति विराजेगी वहाँ पे। रामचंद्र जी भगवान जो इस पृथ्वी पर जन्म लिए, काहे जन्म लिए? मुनि ऋषियों पर अत्याचार हो रहा था। कौन अत्याचार कर रहा था? राक्षस है। मुनि ऋषियों को अपमानित किया जाता था, कौन अपमानित कर रहा था? राक्षस। आज इस देश का जो शंकराचार्य है वो हमारा इस देश का मुनि ऋषि है, और उसका अगर सम्मान नहीं हुआ, वो अगर राम मंदिर का विरोध किया, राम मंदिर में वो आया नहीं, उनका मौत का विरोध हो रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं अब भगवान आने वाले हैं विनाश के लिए। आप लोग क्यों नहीं गए प्राण प्रतिष्ठा में? कांग्रेसी लोग गया था, ऐसा बात तो नहीं गया था। कांग्रेस के लोग बड़े बड़े जो कांग्रेसी नेता है उन्होंने कहा कि भैया मंदिर राम मंदिर किसी का नहीं ना है जो आप चिट्ठी दे के बुलाइएगा राम मंदिर में, आप राजनीति कीजिएगा। आप लोग कहे तो जाय भी करते हैं। आप लोग सुनिए, शिव सैनिक लोग राम मंदिर को जो मस्जिद को तोड़ा था, शिव सैनिक लोग महाराष्ट्र का, उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं किया मोदी जी, तो मोदी जी तो राजनीति कर रहा है, उस राजनीति में लोग नहीं पढ़ना ना चाहता है अच्छा आदमी पढ़ेगा। बोलिए,
तो मोदी जी राजनीतिक कर रहे हैं और राजनीतिक में अच्छे लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं, ये हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजीत सिंह चौधरी जी हैं। वीडियो का लगातार कमेंट कर शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक और बात हमको बताइए, राम मंदिर बना तो खुश है ना आप? राम मंदिर बनेगा, राम का घर बनेगा तो हम लोग खुश कैसे नहीं रहेंगे? तो आप भी खुश है, यहाँ का अल्पसंख्यक भी खुश है, बिल्कुल खुश है। लोग बोल रहे हैं कि हम राम का संतान है, ऐसा बात तो नहीं है कि नहीं बोल रहे हैं, सब खुश है। दुखी कह रहेगा राम का मंदिर बना, लेकिन दुख हम लोग को इस बात का है कि शंकराचार्य जैसा महापंडित को जिसका सरस्वती उपाधि दिया गया था उसका बात मोदी जी नहीं माना, इससे दुख है कि मेरा देश का राष्ट्रपति, आप सुनिए सुनिए, राष्ट्रपति लोगों के राष्ट्रपति को दलित बोल के उनको गर्भगृह में प्रवेश करने नहीं दिया मोदी, ये दुख है। राकेश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? बड़ी मुस्कुरा, चाचा सही बोल रहे हैं, चाचा तो गलत बोल रहे हैं। राम मंदिर के नाम से खाली राजनीति करते हैं, बस राम मंदिर के नाम पे राजनीति करते हैं बीजेपी वाले। दम भी तो है नहीं, वो लोग चंदा इकट्ठा करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। चंदा इकट्ठा हर कोई करके, भैया मंदिर का काम है, सार्वजनिक काम है, तो चंदा तो इकट्ठा होगा ही ना। चंदा देखिए, चंदा तो इतना चंदा दिया राम के नाम पर मंदिर बनाने के लिए, जो उनका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट से राम मंदिर बन गया, उसका इंटरेस्ट से मंदिर बन गया, वो तो अभी यही है। इसलिए राम किसी का नहीं है, राम सबका है। रामकृष्ण परमहंस देव बोले हैं, जत्र सुनिए, रामकृष्ण परमहंस देव बोले हैं जिसका साथ स्वयं कालिया आके खाना खाती थी, वो बोले थे कि जत्र जीव तत्र शिव, जत्र जीव जीव तत्र शिव, जितना प्राणी है सब में बस विराज है। जब प्रहलाद हिरण्यकशिप को बोल दिया, प्रहलाद को पूछा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, खंभा को दिखा दिया, खंभा को बोले इसमें मेरा भगवान। हिरण्यकशिप लात मारा, खंभा तोड़ के कौन निकला, तो शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप लेके निकला भगवान और हिरण्यकशिप को वध किया। बहुत अच्छी बात है, आप वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में राम है, मैं जानता हूँ, भले बीजेपी वाले कुछ भी कहे आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंत में क्या बोलिएगा, सब सुन रहे हैं। अंत में हम यही बोलेंगे कि राम को भगवान को कभी राजनीति में मत लाओ, राम सबका है, राम केवल बीजेपी का नहीं है। हिंदू धर्म में हम लोगों का बहुत कुछ है, जैसे अधिक हिंदू को संयम रहने का, सनातन जो है, सनातन विश्व शांति के लिए कामना करने वाला सनातन है, सारा विश्व में धर्म का प्रचार हो, धर्म का प्रचार करने वाला सनातन है। हम लोगों का भी कुछ धर्म है, जिसलिए हम लोग वो रास्ता से भटक गए हैं, यही दुख है। और क्या भटक गए हैं हम बोल नहीं पा रहे हैं, मेरा वो भाषा नहीं निकल रहा है। इसलिए हिंदू को भी सोचना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हिंदू को भी सोचना चाहिए कि हम हिंदू हैं। और मोदी जी ने एक बड़ा मैसेज देने का काम किया है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कल तक जो लोग समझते थे कि ये माने मुख्य जजमान नहीं बन सकते हैं, मुख्य पुजारी नहीं बन सकते हैं, तमाम चीज़ें नहीं कर सकते हैं, लेकिन तमाम धर्माचार्यों को एक तरफ करते हुए राम मंदिर का जो है कि एक है उद्घाटन किए, प्राण प्रतिष्ठा किए, इसको लेकर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हम कर रहे हैं मोदी जी का। मोदी जी क्या आप कीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, आज देखिए गोदी मीडिया में खाली टीवी खोलिए, खाली मोदी, गोदी मीडिया में हम देखते हैं, हम लोग टीवी बंद कर देते हैं, खाली मोदी खाली मोदी। अरे खाली भगवान को दिखाओ गोदी मीडिया, राम का रूप दिखाओ, रामायण का चौपाई सुनाओ जनता को, मोदी मोदी करता है, मोदी को भगवान नहीं ना, इससे बेनिफिट है ना। देखिए मोदी का विनाश का समय आ गया है, बता देते हैं आपको। शंकराचार्यों ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अनिष्ट है, जाली हाथ चार को करके शंखा चक्र गदा पद्मधारी रूप दिखाते बोले हमको पूजा करो। मोदी जी के लोग बोलता है मोदी विष्णु है, मोदी उसका कोई कमेंट है ही विष्णु, मोदी कोई उसका कमेंट नहीं करता है, ऐसा बोल के हमको छोटा मत करो, ऐसा के अनुयायी लाखों करोड़ों में तो रहा है कि हम विष्णु है। इसलिए विनाश का समय है, जब किसी आदमी विष्णु बनना चाहते है, राम बनना चाहते हैं, तो उसका विनाश ही का ही समय है, तभी वैसा बनना वैसा। तो जोरदार लगातार वीडियो को लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। लेते हैं विदा, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जार।